राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में अब किशनगढ़वास विधानसभा क्षेत्र में नेताओं ने अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। वहीं इस दौरान नेता लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इस तरह कहा जाए कि विधानसभा चुनाव की राजस्थान में तैयारियों में नेता जुट चुके हैं। किशनगढ़वास विधानसभा क्षेत्र से कोट कासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान ने अपने क्षेत्र में चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और इसी कड़ी में कोट कासिम में प्रधान विनोद कुमारी सांगवान ने देवशिखा गांव में रोड का उद्घाटन किया। इस दौरान काफी संख्या में गांव वालों ने प्रधान विनोद कुमारी सांगवान का जोरदार स्वागत किया और जनप्रतिनिधि इस दौरान काफी संख्या में मौजूद रहे। सांगवान ने गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क किया और इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो भी या पंचायत समिति क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी काम लेकर आएंगे वो मेरे ऑफिस से निराश नहीं होकर जाएंगे, उनका जरूरी काम किया जाएगा। विनोद कुमारी लगातार किशनगढ़वास विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं और लोगों की जन समस्याओं को भी सुन रही हैं। कोट कासिम क्षेत्र के देवशिखा गांव में पहुंचा हूं और यहां पे जो कोट कासिम प्रधान है विनोद कुमारी सांगवान वो पहुंची है रोड का उद्घाटन करने के लिए और जानेंगे हम लोग, उनसे बात करेंगे कि क्या कितने कितने कार्य किए हैं। मैम, आज आप पहुंचे हैं देवशिखा गांव में और आज ने रोड का जो उद्घाटन किया आपने, क्या जी? देवशिखा गांव एक छोटा सा गांव है लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम रखता है। विजय भाई और गांव के और गणमान्य व्यक्ति मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि हम ऐसा समझते हैं कि हमारा कोई नहीं है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आप काम बताएं कि हमारी छोटी छोटी गलियां हैं जिनमें इंटरलॉकिंग होना है और अगर आप वो दें तो हमें अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं इनके लिए नई थी, ये मेरे लिए, क्योंकि हम नहीं जानते थे, लेकिन जब हम आपस में मिले तो मुझे ऐसा लगने लगा कि देवशिखा मेरा अपना एक गोद लिया हुआ गांव है। और मैंने काम दिया, जितना काम देवशिखा में बचा है मैं अपने कार्यकाल में उसे पूरा करवा दूंगी, ऐसी मेरी समझ है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अच्छा लगता है कि मैं काम करवाती हूँ, विकास होता है, और जब आपके हाथ में पावर है और तब आप विकास ना करवाएं तो वो बहुत बुरी बात होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि देवशिखा मेरे लिए प्राथमिकता के तौर पर है और मैं काम करवाऊँ। यहाँ और भी अन्य गांव जो हैं जिनमें ज़रूरत है वो मुझे बताएं, मैं वहाँ काम करवाऊँ। आज आप यहाँ देवशिखा पहुँचे हैं तो गांव वालों ने क्या और काम के लिए आपके लिए बोला है जो कम पेंडिंग है और आने होने वाले? स्वाभाविक है, छोटी छोटी गलियाँ और भी बची हुई हैं वो मैं करवाऊँगी। 5 लाख की घोषणा मैंने की है, वो काम तो हो जाएगा कार्य योजना में जुड़कर। और फिर ये मेरी MPS साहिबा हैं अमिता चौधरी, तो जैसे अमिता के पास 9 गाँव हैं, 11 गाँव हैं, जहाँ जहाँ ये ज़रूरत समझेंगी वहाँ भी मैं इनको माइक के माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि आप बेझिझक होकर मुझे अपने काम बताएं, मैं इनके द्वारा किए हुए काम अगर करवाती हूँ तो मैं अपना सौभाग्य समझूँगी। मैम, आने वाले 2023 में चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से आपकी तैयारी है, किस तरह से क्या रहेगा आने वाले 2023 में चुनाव? राजस्थान की बात करें, क्या कांग्रेस रिपीट होगी? गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं, जो इतना लंबे लंबे विज्ञापन और ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम इतने विकास हो गया है, क्या वास्तव में विकास हुए हैं क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ढिंढोरा नहीं है ये, विपक्ष आरोप लगा रहा है। नहीं, विपक्ष कुछ भी कह सकता है, उनके पास पावर है बोलने की, वो कोई कुछ भी बोल सकता है। बट देर इज नो डाउट कि अशोक गहलोत की सरकार में जितने कार्य हुए हैं राजस्थान में, उतने मैंने अपनी आयु में इस तरह के कार्य होते नहीं देखा है। दूसरी बात, गहलोत साहब ने एक एक व्यक्ति को इस कदर अपने सामने लिया है, इस कदर उनको देखा है कि मैं किस व्यक्ति का काम करूं, और व्यक्ति से फिर व्यक्तिक हो गया क्योंकि व्यक्ति से जुड़ता चला गया एक एक व्यक्ति, और एक ऐसा हजूम खड़ा हो गया गहलोत साहब के फेवर में, कांग्रेस पार्टी के फेवर में, कि कांग्रेस निश्चित तौर पर रिपीट करेगी और बहुमत से रिपीट करेगी। तो आपको लगता है, हम किशनगढ़ विधानसभा की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे एक टिकट मांगने की लंबी फेरिस बढ़ती जा रही है, नाम जुड़ते जा रहे हैं और आप उस फेरिस में आपका भी नाम है सबसे आगे, जिसे लोग कह रहे हैं चल रहा है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से रहेगा इस बार किशनगढ़ विधानसभा का? देखिए, टिकट एक गर्व की बात है और आप उससे अनुमान नहीं लगा सकते
केवल एक इच्छा व्यक्त कर सकते हैं या फिर अपने मन में एक आशा पैदा कर सकते हैं कि बेटा हो या बेटी हो, यही होता है। तो टिकट भी वही है, गर्भ में है, मांगने वालों की तादाद और भी बढ़ती चली जाएगी, कोई दो दिन पहले जाग जाता है, कोई दो दिन बाद जाग जाता है। हाँ, ये भी सही है कि कहीं ना कहीं मैं प्रधान हूँ तो मेरा भी मन है कि मैं कार्य क्षेत्र में काम कर रही हूँ और मुझे हर व्यक्ति पसंद भी करता है, तो टिकट मिलने चाहिए, क्योंकि जब सब चाहते हैं तो अपने आप ही व्यक्ति का मन बन जाता है, तो मेरा भी मन बन गया। चाहे कितनी लंबी कतार क्यों ना हो, पहचान अपनी, टिकट भी अपनी हो सकती है। थैंक यू मैम, बात करने आप बताइए मैम, आप MPS से किस तरह से विकास हो रहा है आपके, आप बताइए। हाँ जी जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज हम गांव में आए हुए हैं और आप MPS हैं, तो किस तरह से विकास हो रहा है, क्या रहेगा इस बार? प्रधान जी हर गांव में विकास के लिए काम कर रही है, 3600 बरादरी के लिए काम कर रही है। किसी भी गांव में जो भी गांव वाले जाते हैं, जरूरत होती है, वहां अपने बजट से 5 लाख 10 लाख रुपए सराहनीय काम कर रही है प्रधान जी की। अच्छे काम हो रहे हैं? हाँ, अच्छे काम हो रहे करें प्रधान जी, बगैर भेदभाव के काम कर रही है, सभी गाँव में विकास कर रही है। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जैसे जैसे तारीख चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी, ऐसे ऐसे लोग अपने अपने कार्य को उद्घाटन करेंगे। देखते रहिए 24 TV नेटवर्क राजस्थान। आप आओ।